अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई, जो झटपट तैयार हो जाता है, बहुत ही लजीज और टेस्टी सा तैयार होता है। हमने फर्स्ट टाइम बनाया है तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसे उबाल लिया है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून विनेगर और 4 टीस्पून इसमें डालेंगे वाटर, ताकि विनेगर उसमें विनेगर का टेस्ट ना आए इस मिल्क में, इसी वजह से, और वो अच्छे से फूट जाए। यहाँ मैंने ऐड कर दिया उसे। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि फट रहा कि नहीं। अगर नहीं फट रहा तो फिर से हम ट्राई करेंगे 1 टीस्पून विनेगर डाल के, लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये फट चुका है। तो इसे अब हम क्या करना है, एक साफ कपड़े में छान लेना है, चाहे वो आपका कॉटन हो या नेट का हो, हमने इसे छान लेना है। अब यहाँ देखिए हमने इसे छान लिया अच्छे से। उसके बाद जब 10-15 मिनट के बाद हम इसे गूंद लेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए इतना सॉफ्ट सा लग रहा है, हमने इसे अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ऐसा कर देना है कि जैसे हमने गूंदा हुआ आटा रखा हो। तो यहाँ देखिए उसको थोड़ा मेहनत है, अच्छे से करना है थोड़ा। यहाँ देखिए मेरे आटे की तरह बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हमने पेड़ा बना लेना। तो इसमें एक बात का ये ख्याल रखना है कि हम जो पेड़ा बना रहे हैं वो ज़रा भी ना फटे, इसमें दरारें ना आए। अगर इसमें दरारें आ जाएंगी तो हमारे वो रसमलाई ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप चीनी और 2 कप पानी डालकर चाशनी तैयार होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, और रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसमें ऐड किया है फूड कलर। उसके बाद हमने इसे अच्छे से चला दिया है। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हमने इसे जलने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मेरा रबड़ी बस अभी तक कुछ मिनटों में तैयार ही होने वाला है, क्योंकि ये बस तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हमें थोड़ा वेट करना होता है। अब देखिए ये तैयार होने वाला है बस, और यहाँ देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने जो ये चाशनी बनाया है उसमें इस पेड़े को 8 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है, और निकाल करके हम वो जो मेरा रबड़ी जो तैयार हो रहा है उसमें डाल करके उसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ देखिए ये मेरा तैयार हो चुका है। अब इसे आप बाउल भी निकाल दीजिए, या तो फ्रीज करके खाइए या फिर ऐसे ही खाइए। आपको ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।